सो वेलकम बैक गाइज, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जिस प्लेटफॉर्म की बात करने वाले हैं वो भी अपने आप में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस वीडियो में मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको कई सारे वेबसाइट्स मिलेंगे, यानी कि एक वेबसाइट नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वेबसाइट है। यहाँ पे देखो, जैसे कि एक वेबसाइट इसमें है mastodon.social है, एक इसके अंदर है mass.to और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं mastodon.world है ना। तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से बहुत सारे सर्वर्स मिलते हैं, यानी कि वेबसाइट्स मिलती हैं जिनको कि आप एक्सेस कर सकते हैं। सभी पे देखो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट, और ये एक तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है उनको, और अगर आप देखोगे तो इन सभी को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इनमें से एक वेबसाइट का ट्रैफिक अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये सभी अलग अलग वेबसाइट्स हैं जैसा कि मैंने आपको कहा, तो इनमें से ये जो वेबसाइट है mastodon.social, ये काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है इनका, यानी कि काफ़ी पॉपुलर सर्वर है या फिर वेबसाइट है आप बोल सकते हैं। अगर मैं इसके स्टैट्स की ही बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको ऑन एन एवरेज मंथली 2 मिलियन से भी ज़्यादा विजिटर्स या फिर विजिट्स मिलते हैं, एक्चुअली विजिट्स मिलते हैं, विजिटर नहीं। यू कैन सी यहाँ पर 2 मिलियन से भी ज़्यादा का यहाँ पर आपके सामने स्टैट्स है। एंड अगर आप देखोगे कि ट्रैफिक कहाँ से है तो यू कैन सी अराउंड द वर्ल्ड सभी जगह से ट्रैफिक है, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, यूके भी है यहाँ पर। तो मोस्टली जो इसको ट्रैफिक मिलता है वो डायरेक्ट ही मिलता है, तो ज़्यादा नोन नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म नहीं है, कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है। अगर आपको अपना कॉन्टेंट शेयर करना है, आपको फॉलोइंग गेन करनी है, आपके पास अपना कंटेंट है, वेबसाइट है, उसको आपने प्रमोट करना है, कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको आपने प्रमोट करना है, देन डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे इसके स्टैट्स हैं, और जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक वेबसाइट नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एक के स्टैट्स दिखाए हैं। इसके अंदर कई सारे सर्वर्स हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं, उन सभी को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करना है प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए गाइस कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपने ब्राउजर में जाना है और आपको सर्च करना है mastodon.social network। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक सोशल नेटवर्क है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट हमें मिलती है वो है joinmastodon.org, एंड नीचे जो आपको वेबसाइट मिलती है वो है एक्चुअल में mastodon.social, जो कि उनमें से एक सर्वर है, उनमें से एक वेबसाइट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, ये जो है joinmastodon.org, इस पर अपने क्लिक करेंगे। इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से है और क्यों डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे mastodon supports audio, video and picture post, तो किसी भी तरीके से आप लोग अपना कॉन्टेंट जो है वो शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल हम इस पर क्लिक करेंगे, एंड जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे यू कैन सी सोशल नेटवर्किंग दैट्स नॉट फॉर सेल। ओके, एंड इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर जो इनका सबसे पॉपुलर, जैसा मैंने आपको कहा, वेबसाइट है या फिर सर्वर है, उसको ज्वाइन करने का यहाँ पर आपको बटन मिलता है जो कि है mastodon.social। इसके बारे में हम काफ़ी समय पहले, लगभग 2-3 साल पहले हम इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं, केवल हम इसके बारे में डिस्कस किया था तब उस वीडियो में हमने। आज हम इसके जो बाकी के सर्वर है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनके बारे में भी आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर पिक अनदर सर्वर, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप लोग इस पेज पर आ जाओगे, और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है सर्वर्स, कि एक्चुअल में भाई सर्वर्स क्या है, तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। mastodon इज नॉट अ सिंगल वेबसाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। टू यूज इट यू नीड टू मेक एन अकाउंट विद अ प्रोवाइडर, एक प्रोवाइडर यानी कि अलग अलग जो जिसका भी वो सर्वर हो सकता है, वी कॉल देम सर्वर्स, जिनको कि हम सर्वर बोलते हैं, ठीक है। दैट लेट्स यू कनेक्ट विद अदर पीपल अक्रॉस mastodon, तो जो उसमें और भी लोग हैं जुड़े हुए उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ अपना कॉन्टेंट शेयर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक वेबसाइट नहीं है, कई सारी वेबसाइट हैं, उनमें से किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपना कॉन्टेंट आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको नीचे करोगे, स्क्रोल डाउन करोगे, तो यू कैन सी कि यहाँ पर वो सारी वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। इनमें नंबर वन जो वही है mastodon.social, इस पर क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हैं। एंड अगर आप देखोगे तो फिल्टर भी हैं कि आपको रीजन के हिसाब से देखने हैं, टॉपिक भी हैं, जैसे कि जनरल में अगर आप देखोगे 65 हैं, इसके अलावा रीजनल में 47 हैं, टेक्नोलॉजी में 51 है, गेमिंग है, एक्टिविज्म है, एंड म्यूजिक है, एकेडमी है, तो कई सारी चीज़ें हैं। आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग भी याद करके इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप देखोगे ना ऊपर कुछ फिल्टर हैं कि किस लैंग्वेज के आपको चाहिए, तो आप लैंग्वेज का फिल्टर लगा सकते हैं। इसके अलावा साइनअप प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, क्या उसमें मैनुअल रिव्यू आपको चाहिए, या फिर आपको चाहिए कि मैं अकाउंट बनाऊँ और इंस्टेंटली अपना काम कर पाऊँ और मैं अपना कॉन्टेंट पोस्ट कर पाऊँ, तो आप फिर इंस्टेंट पर क्लिक करके फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा लीगल स्ट्रक्चर जो है वो भी आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। तो ये तो है इनका ओवरव्यू। अब आप इनको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इनमें से एक का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा, और सभी को उसी प्रकार से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन है mastodon.social, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप लोग क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो इनके कुछ रूल्स हैं जो कि किसी भी सोशल नेटवर्क के हो सकते हैं, कि भैया किस प्रकार का कॉन्टेंट आपको शेयर नहीं करना है। ये देखो बहुत ही अच्छे रूल्स हैं,
जो कि आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप लोग एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो बहुत ही सिंपल सी डिटेल है, जैसे कि आपको यूजर नेम देना है, एक यूजर नेम आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल के लिए, एंड ईमेल देना आपको, एक पासवर्ड क्रिएट करना है, देन साइनअप पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास अगर आप देखोगे जो थर्ड स्टेप है, एक कन्फर्मेशन ईमेल आएगा या कोड हो सकता है, उसको आपने वेरीफाई कर लेना है और आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। अब थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है बाकी के सर्वर्स को ज्वाइन करने के लिए, लगभग इसी प्रकार का क्राइटेरिया होगा, इसी प्रकार की प्रोसेस होगी, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस अभी मैंने इसको ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ किस प्रकार का इंटरफेस है, कैसे आप कंटेंट शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, ये mastodon.social है। इसी प्रकार से बाकी के सभी नेटवर्क को भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। अभी मैं उनमें से एक का ही आपको रिव्यू करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, बाकी सभी भी आप इसी प्रकार से एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप कैसे कंटेंट शेयर कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको एक अच्छा नीच पकड़ना होगा, आप उस पर अकाउंट बना लीजिए अच्छे से, और रेगुलर अगर आप उस पर कंटेंट पोस्ट करते हैं, किसी भी प्रकार का कंटेंट, कोई भी नीच आपका हो सकता है, कोई भी टॉपिक आपका हो सकता है, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया टाइप का प्लेटफॉर्म है। ओके, और आपके कंटेंट को अगर ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, डेफिनेटली आप फिर कोई प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, या अपने कंटेंट को आप शेयर कर सकते हैं, तो आप रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म के कोई सोर्स नहीं है कि आप यहाँ से अर्निंग कर पाएं इसको टाइम दे करके, तो आप कंटेंट के थ्रू ही कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप आओगे एक्सप्लोर वाले सेक्शन में, तो जो लोगों ने कंटेंट पोस्ट किया हुआ है उसको भी आप लोग देख सकते हैं, किस प्रकार की एंगेजमेंट है, कैसा लोग कंटेंट शेयर करते हैं। सो गाइस ये जो प्लेटफॉर्म है कई सारे प्लेटफॉर्म का मिला जुला रूप है, कहीं आपको इंस्टाग्राम जैसी पोस्टें दिखेंगी, कहीं पर आपको ट्विटर जैसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो ये सभी लगभग एक जैसे ही हैं अगर आप देखोगे तो। इनको यूज करना बहुत आसान है, ये देखिए सबकी पोस्टें, इस प्रकार से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको कि आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, अपनी प्रोफाइल के अंदर सेटिंग कर सकते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली अपनी प्रोफाइल पे लेके चलूँ, तो यू कैन सी कि मैंने सिंपल सी एक प्रोफाइल बनाई हुई है जो कि 2021 में मैंने बनाई थी। आप इसको एडिट कर सकते हैं, आप यहाँ पर बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी एक वेबसाइट का लिंक यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो इस प्रकार से आप भी अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको बैकलिंक मिलेगा जो कि हाई अथॉरिटी बैकलिंक होगा, इसके अलावा यहाँ से आपको ट्रैफिक भी मिल सकता है। अगर आप अच्छा कॉन्टेंट पोस्ट करेंगे तो आप कॉल टू एक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं कि भैया मेरे बायो में लिंक है, आप उस पर जाकर के जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप ट्रैफिक भी ड्राइव कर सकते हैं। और इसमें डायरेक्टली लिंक शेयर करने का भी कोई दिक्कत है नहीं, मैं आपको अभी कॉन्टेंट शेयर करके दिखाता हूँ। तो अगर आपको कंटेंट अपना शेयर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, देखो अलग अलग सर्वर हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो उनकी जो प्रोसेस है वो डिफरेंट भी हो सकती है, बट लगभग आपको इसी प्रकार से ही उसको यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, एक कंटेंट का हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। तो मैं यहाँ पर वोकल मीडिया पे आया हूँ, तो इनमें से ये वाली पोस्ट मैं ओपन करूँगा। तो ये जो पोस्ट है मैंने वोकल मीडिया पे डाली हुई है एजुकेशन कैटेगरी में, तो हम इसको शेयर करेंगे। ओके, तो कैसे हम शेयर कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इसका छोटा सा टाइटल यहाँ से कॉपी करूँगा। इसमें कंटेंट शेयर करना बहुत ही आसान है, सिंपली यहाँ पे देखो ऑलवेज आपको लेफ्ट साइड में ना यहाँ पर आपको दिखता रहेगा कि आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको जो भी पोस्ट करना है वो यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर अप टू शायद 500 करेक्टर तक की पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, आप उसमें इमोजी लगा सकते हैं, आप उसमें मीडिया भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से एक इमेज ऐड करूँगा। ओके, तो एक इमेज हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है, और अब हम इसमें अगर अपना लिंक लगाना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी इस पोस्ट पे आपको ट्रैफिक मिले, तो आप अपना लिंक लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई नॉलेजेबल पोस्ट यहाँ पे शेयर करनी है ऑडियंस गेन करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको लिंक भी लगा के दिखा देता हूँ, इसमें लिंक का भी कोई इशू है नहीं। तो सिंपली हम अपना URL यहाँ पर जो भी हमारी पोस्ट है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और डायरेक्टली हम यहाँ पर अपना लिंक पेस्ट कर सकते हैं, ये वेब कैटेगरी में चला जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। एंड अगर आपको कोई हैशटैग वगैरह लगाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपनी पोस्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड गाइस उसके बाद आपको सिंपली पोस्ट पे क्लिक कर देना है और आपकी पोस्ट यहाँ पर लाइव हो जाएगी। इसको आप कहाँ पे देख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल में अगर आप जाओगे, यहाँ पर पोस्ट का एक सेक्शन है, देखो अभी हमने एक पोस्ट क्रिएट किया है। ओके, यू कैन सी कि हमारी पोस्ट यहाँ पर आ जाएगी, ये अभी अभी हमने पोस्ट क्रिएट किया है, 42 सेकंड इसको हो चुके हैं। ये URL है, अगर मैं इस पोस्ट को इस प्रकार से ओपन करता हूँ तो किसी भी यूजर को ये जो पोस्ट है वो इस प्रकार से दिखने वाली है। अब चाहे वो यहाँ पे क्लिक करें URL पे, या फिर वो इमेज पे क्लिक करें, क्योंकि ये वेब फॉर्मेट में हमने पोस्ट किया है तो वो डायरेक्टली हमारी पोस्ट पे जाने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ट्रैफिक भी ले सकते हैं, फॉलोइंग भी गेन कर सकते हैं, और अगर आपके साथ अच्छी फॉलोइंग जुड़ती है, अगर आप इसको अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को भी प्रमोट कर सकते हैं। आई होप गाइज पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका आपको समझ में आया होगा, मैंने जल्दी से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, फिर भी मैंने कोशिश की है कुछ भी हम इसमें मिस ना करें। अगर आप सर्वर में देखोगे तो इसी प्रकार से ना अलग अलग कैटेगरी
डिलीवरी के लिए सर्वर्स बनाए हुए हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे टेक हब सोशल, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये हो सकता है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप वहाँ पर भी अपना कंटेंट शेयर कर पाएंगे। तो ऐसे इसमें मल्टीपल सर्वर्स हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएगी, वैल्यूबल रहेगी आपके लिए। अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका सजेशन है, या फिर हमने कुछ मिस किया है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें, तो इसके लिए चैनल के साथ बने रहें। ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।